पुरानी सभ्यता की शुरुआत नदियों के किनारे से ही हुई। बस्तियां वहीं बसी जहां पानी था, जिंदगियां गुलजार हुई। लेकिन वक्त बदला तो इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन नदियों का स्वरूप भी बदल दिया। नदियां जीवन दायिनी होती हैं और यमुना उनमें से एक है, और दिल्ली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस जीवन दायिनी का स्वरूप वैसा ही बना रहे जैसा दिल्ली में घुसते वक्त वजीराबाद पर इसका स्वरूप होता है। आज हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए और देखिए पल्ला से चिल्ला तक यमुना का ये सफ़र। पल्ला में कलकल करती अविरल बहती यमुना दिल्ली को जीवन भी देती है और सत्ता पर बैठी सरकार को संदेश भी। यह नदी आज भी जिस स्वरूप में मौजूद है उसे देखकर खुशी भी होती है, गुस्सा भी आता है। गुस्सा उस शहर पर जिसे ये संवारती है, बनाती है, सांसें देती है। बदले में 2 करोड़ की आबादी वाला ये शहर यमुना को पल पल मारने की कोशिश करता है, अपनी गंदगी को बिना साफ किए नदी में डालकर, और बेबस यमुना हर कदम यहाँ दम तोड़ने लगती है। फिर यहाँ यमुना मैया को बचाने के लिए योजनाएं बनती हैं, करोड़ों का बजट बनता है, लेकिन उनमें काम कम स्वांग ज्यादा होता है। अब यमुना मैया सवाल कर रही हैं कि आखिर ये कब तक? ये सवाल नई सरकार तक भी पहुंचा है। यमुना के लिए, दिल्ली के किनारे की यमुना के लिए और दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक की यमुना के लिए, कृपया इसको अंडरलाइन करिए बिल्कुल, कि दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक की यमुना के लिए हम एक कार्य योजना शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत करेंगे ताकि यमुना प्रदूषण मुक्त हो, उनका अविरल प्रवाह हो, संसार के पर्यटक भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना का सुंदर रूप देखें और वृंदावन में जाने वाले जो धार्मिक यात्री हैं वह भी यमुना का एक सुंदर रूप देखें। लेकिन यमुना को बचाने से पहले दिल्ली को पल्ला में यमुना माँ का ये साफ सुथरा रूप देखना चाहिए, क्योंकि यमुना हिंदुस्तान की जमीन पर बहने वाली सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों हिंदुस्तानियों की माँ है और ये जमीन से ज्यादा उनके दिलों पर बहती है। गंगा के बाद यमुना का सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व है। यमुनोत्री हिम नदी से निकलने वाली 1370 किलोमीटर लंबी नदी है। हजारों लोग इसमें स्नान करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। सदियों से यमुना किनारे लाखों करोड़ों लोग पूजा पाठ कर अपने जीवन को धन्य करते रहे हैं, और यमुना के मैली होने के बाद भी ये सिलसिला अनवरत जारी है। यमुना कई शहरों से होकर गुजरती है, या यूं कहें यमुना किनारे लोग बसते गए, शहर बनते गए, फिर महानगर। इनमें यमुना के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है दिल्ली। यहाँ यमुना का सफर पल्ला से शुरू होता है, जहाँ नदी का पानी स्वच्छ और निर्मल दिखता है। इस पार से उस पार जाने के लिए लोग नदी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ यमुना के एक छोर पर दिल्ली है और दूसरे छोर पर यूपी। यहाँ नदी भी जिंदा है और इसमें बसने वाला जीवन भी। पल्ला से चलकर ये नदी वजीराबाद बैराज पहुँचती है। यहाँ से ये दिल्ली के अलग हिस्सों से होती हुई 22 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है और फिर ओखला बैराज होते हुए दिल्ली से पार निकल जाती है। पल्ला से वजीराबाद तक यमुना जिंदा दिखती है, पानी साफ है और नदी का इकोसिस्टम पूरी तरह से ठीक दिखता है। मछली पकड़कर अपनी जिंदगी चलाने वाले अब भी यहाँ आते हैं। इन्हीं में से एक है रामू, जो बीते 40 साल से यमुना में मछलियां पकड़ते हैं, और इन 40 सालों के दरमियान नदी के साथ शहर ने क्या नाइंसाफी की है इसे भी देखा है, समझा है। पहले मछलियाँ इतनी ज्यादा मिलती थी, आदमी घंटे 2 घंटे में 10-20 किलो मार के चल देता था। शहर नदियों के किनारे बसाए ही गए इसलिए कि नदी से अपनी जरूरतें पूरी कर सके। करोड़ों की आबादी वाले दिल्ली में पीने के 40% पानी की जरूरत यमुना से ही पूरी होती है। लेकिन यमुना पर इतना निर्भर होने के बावजूद दिल्ली ने कभी यमुना का ख्याल नहीं रखा, लिहाजा आज यमुना 22 किलोमीटर के दायरे में नदी से नाले में बदल चुकी है। जो नदी जीवन दायिनी थी, उस नदी को हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से इतना प्रदूषित किया कि वो अपने ही पानी में बेमौत मरने लगी। यमुना भी इसकी एक बड़ी मिसाल है।
दिल्ली में आने से पहले और दिल्ली में आने के बाद इसका स्वरूप अलग है, क्योंकि दिल्ली में आते ही इसे नज़र लग जाती है। यमुना को वेदों और पुराणों में पूजनीय माना गया है। वेदों में पूजी गई ये यमुना राजधानी दिल्ली में नालों से बेदम होती जा रही है। यमुना का दर्जा माँ का है, लेकिन माँ वजन तो ढो सकती है, मैला कैसे ढो सकती है? यही बड़ा सवाल उठता है जब यमुना वज़ीराबाद से आगे राजधानी दिल्ली में बढ़ती है, क्योंकि काले पानी की सज़ा तो इंसानों को मिलती है, लेकिन ये कौन से काले पानी की सज़ा है जो हम इंसान इस नदी को दे रहे हैं? युगों युगों से यमुना समाज के लिए पूजनीय रही है। ऋषियों ने यमुना को माँ का दर्जा दिया है। पुराणों तक में यमुना मैया का जिक्र है। दिल्ली में नदी का मौजूदा हाल क्या है जानने के लिए जून की इस तपती गर्मी में दिल्ली आज तक ने पल्ला से लेकर चिल्ला तक का सफर किया। वजीराबाद से आगे जब यमुना बढ़ती है तो उसकी सांसों पर सबसे बड़ा हमला होता है नजफगढ़ नाले का। शहर का लाखों गैलन गंदा पानी समेटे ये नाला यमुना नदी में गिरता है। यहीं से नदी का साफ पानी अपना रंग बदलना शुरू करता है। साफ स्वच्छ यमुना अब काली दिखने लगती है। दरअसल यमुना में गिरता नजफगढ़ नाला किसी नहर जैसा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना जहर यमुना में रोजाना डालता है। जीवनदायिनी इस नदी के इस हाल का कौन जिम्मेदार है? क्या गौरवशाली अतीत वाली इस नदी को नाला बनते देखना और इसे तबाह होने देना हमारी किस्मत में है? जानकारों के मुताबिक नजफगढ़ नाले से निकला प्रदूषित पानी इतना जहरीला है, जहां से ये गिरता है उस इलाके में मछलियों से लेकर यहां रहने वाले पक्षी भी नदी से दूर जाने लगे हैं। सबसे पहला नाला है नजफगढ़ ड्रेन, शाहदरा ड्रेन, उसके बाद इस तरह छोटे बड़े नाले जुड़ते जाते हैं जो ओखला तक पहुंचते हैं। नदी के किनारे मछलियां पकड़ने वाले भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि 25 साल पहले की यमुना और अब की यमुना में बड़ा फर्क आया है, और ये सब नदी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से है। पहले यमुना जी पूरी भरी रहती थी, आजकल नाले के रूप में हो गई पतली सी, पानी होता नहीं इतना यमुना में। यमुना की पूजा करने वाले और यमुना को माँ पुकारने वाले जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो रूह कांप उठती है। गंदगी के इस आलम में नदी गायब है और यमुना किसी नाले से ज्यादा नहीं दिखती। दिल्ली के 22 किलोमीटर के सफर में यमुना नदी पर कुल 18 नाले गिरते हैं, जिसमें नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन जैसे कई बड़े नाले हैं। इन नालों से बड़े कारखाने, फैक्ट्रियों, कॉलोनी और स्लम से लगभग 3,296 MLD गंदगी रोजाना आती है, जो इस नदी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कि दिल्ली के 40% ड्रिंकिंग वाटर को यमुना फुलफिल करता है। एक और भी फैक्ट है कि पूरे यमुना कैचमेंट को जब देखेंगे 1400 किलोमीटर को, तो उसमें दिल्ली का स्ट्रेच सिर्फ 1% यमुना का फुलफिल करता है। दिल्ली में यमुना की मौत की कहानी सिर्फ नालों तक सीमित नहीं है, आम दिल्लीवासी भी कम जिम्मेदार नहीं है। कभी आस्था के नाम पर तो कभी पूजा पाठ के नाम पर नदी को लगातार प्रदूषित करते रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से लोग बोरियों और थैलियों में भर कर पूजा सामग्री और घर का कूड़ा नदी में बहाने आते हैं। ऐसा नहीं है कि नदी से इन्हें प्यार नहीं है, और गंदगी भी वहीं बहाकर चले जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं लोग, बाग हवन करते हैं, पॉलिथीन कपड़े हर चीज इसी में बहा देते हैं। यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, लेकिन बीते कई दशक से शहरवासी इसे डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे फौरन बंद करने की जरूरत है। अक्सर हाँ, किसी भी रिवराइन इकोसिस्टम को हम वेस्टलैंड की तरह देखते हैं, ऐसा कह सकते हैं कूड़ेदान की तरह देखते हैं। जो जीवनदायिनी है उसमें हम कोशिश करते हैं, जो भी डालना है डाल दो। सवाल ये है कि जब यमुना हमारे लिए इतनी जरूरी है तो फिर हम उसे मार क्यों रहे हैं? क्या सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, और की तो कहां उनमें कमी रह गई? यमुना को बचाने के लिए मोदी सरकार क्या कोशिशें करने वाली है? इन तमाम सवालों का जवाब आगे बताएंगे। रजत सिंह, दिल्ली आज तक।
यमुना दिल्ली समेत कई राज्यों की जीवन धारा है, लेकिन क्या उसे इस हाल पर छोड़ा जा सकता है? लेकिन क्या किसी कॉस्मेटिक प्लान से बदलेगी यमुना की तस्वीर, या फिर इसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा? सवाल बड़ा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इतना भी बड़ा नहीं कि उसे हल नहीं किया जा सकता। सरकारों के 5000 करोड़ फूकने के बाद भी यमुना की जो तस्वीर हमने पल्ला से चिल्ला तक के सफर में देखी, वो हैरान कर देने वाली है। ऐसा लगता है कि इस नदी को बचाना मुमकिन नहीं है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जो उम्मीद जताता है कि नदी को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि पहले की तरह पेड़ पौधों और पंछियों से भरा जीवन भी नदी किनारे हो सकता है। लेकिन सवाल है कि वो होगा कैसे? इसका जवाब है दिल्ली के एक कोने में बना ये यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क। इस पार्क से जुड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि तरीका बदलेगा तो यमुना भी बचेगी और दिल्ली भी। चलिए, इसमें पैसे से ज़्यादा एक साइंटिफिक सोच की ज़रूरत है। वैज्ञानिक तौर तरीकों से किया गया विकास लॉन्ग टर्म होता है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क को देखकर लगता है कि हम सुंदरवन जैसे किसी इलाके में आ गए हों। यहाँ कलरव करते पक्षी हैं, पेड़ पौधे और झील के किनारे खड़ी घास है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में करीब 2 किलोमीटर लंबी झील है, जहां आप नाव में बैठकर जिंदा नदी का सुहाना सफर कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस झील में बारिश का पानी है। कुछ इसी अंदाज में अगर काम हो तो उम्मीद बंधती है कि यमुना बच जाएगी। वजीराबाद से पल्ला के बीच में जितनी जगह है, इतना बड़ा फ्लड प्लेन है, उसमें हम कैस्केड ऑफ वेटलैंड बनाएं, ग्रासलैंड बनाएं नेटिव यमुना का, और नेटिव रिवराइन फॉरेस्ट जो यमुना में सर्वाइव करता था, वो रेफरेंस इकोसिस्टम बरकरार है, उसको हम पुनर्जीवित करें। फयाज की माने तो अगर नदी को जिंदा करना है तो उसके आसपास के हिस्से को भी जिंदा करना होगा। यहाँ वो पेड़ पौधे और घास लगानी होगी जो यहाँ की अपनी हो। इसके अलावा यहाँ वेटलैंड्स डेवलप करने होंगे और यमुना की बची हुई जमीन पर और भी बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने होंगे, तब यमुना वाकई में जिएगी। तो ये साफ है कि अगर सरकार और जनता मिलकर विशेषज्ञों की मदद से यमुना को बचाने का काम करें तो ना सिर्फ नदी का स्वरूप पहले जैसा हो जाएगा, बल्कि यमुना के आसपास भी जीवन गुलजार हो जाएगा। तो सोचने की ज़रूरत है, कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। बस ज़रूरत है हिम्मत की, समझ की और हमारे खुद के विवेक की, ताकि इन सब चीज़ों को सोचकर इसको ऐसे रूप में ला दिया जाए। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।